ZTV News 24 रखे बुलंद आपकी आवाज। नमस्कार, ZTV News में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय प्रताप सिंह और आज हम ऐसा खुलासा करेंगे जिसमें एक आदमी अपने आप को भगवान विष्णु का अवतार बताता है। आइए आपको मिलवाएंगे उनकी खास शख्सियत से जो कहते हैं कि मैं भगवान का अवतार हूं, कल्की का अवतार हूं। Myself आदित्य शर्मा एंड आई एम अ डॉक्टर। आई एम MBBS MD इन साइकेट्री एंड लिव्स इन दिल्ली बट एट दिस टाइम टू प्रैक्टिस इन मुरादाबाद। आज आपने मुरादाबाद में एक पत्रकार वार्ता बुलाई है, क्या विषय था और क्या बताना चाहता है? पत्रकार वार्ता मैंने बुलाई है वो उसका वजह विषय है मांसाहार का सेवन छोड़ देना और भगवान विष्णु के अवतार के बारे में मैंने डिटेल से बताया है जो कि मैं खुद हूँ। भगवान राम 12 कला अवतार थे, भगवान श्री कृष्ण 16 कला अवतार थे और मैं भगवान विष्णु का सेवक 64 कला अवतार हूँ। ये बिल्कुल फैक्ट है। आप अगर ये चाहते हैं कि मेरे फैक्ट देखने हैं तो मुझसे पर्सनली आके मिले। चिकित्सा पद्धति और विज्ञान धर्म के साथ नहीं जुड़ रहा है मेरे लिए। सारा मानव जाति एक धर्म है, कोई धर्म के साथ नहीं जुड़ूंगा मैं। ना मैं हिंदुओं का हूँ, ना मुसलमानों का हूँ, ना सिख का हूँ, ना ईसाई का हूँ। मैं उन सबका भी हूँ, मैं तो सबका हूँ। हाँ, मैं अपने आप को अवतार बता नहीं रहा हूँ, मैं अवतार हूँ क्योंकि ऐसा मुझे 5 साल की उम्र में ही मेरे गुरुजी ने बता दिया था। मेरे गुरुजी परशुराम जी के अवतार थे और उनका नाम सियाराम शास्त्री था। डॉक्टरी में क्यों नहीं जाएंगे अपने, उन्होंने बोला इसलिए जाएंगे क्योंकि हम आगे बढ़ना है। लेकिन जब भगवान और डॉक्टर एक जगह मिल जाएं, तो वो दुनिया का पूरा सब कुछ बदल सकता है। केवल एक जय गुरुदेव ही ऐसे थे जो मेरे बारे में पूरा जानते थे। जय गुरुदेव ही केवल एक ऐसे थे जो मेरे बारे में सारी जानकारी थी उनके पास। मैं कहाँ हूँ, किसके सानिध्य में हूँ, ठीक है, केवल उन्हीं के पास थी जानकारी। इसी बहुत सारी डिसीज ऐसी हैं, डॉक्टर ही लोग नॉनवेज बताते हैं, जैसे टीबी को ले लीजिए आप, उसी में डॉक्टर बताते हैं। देखिए, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, क्या बोला मैं, इमरजेंसी टाइम में कोई मर्यादा नहीं, इमरजेंसी टाइम में कोई मर्यादा नहीं होती है। हाँ नहीं है क्योंकि वो हम बता रहे हैं, डॉक्टर बता रहा है, लेकिन विदाउट डॉक्टर आप अगर प्रिस्क्रिप्शन चल रहा है और एक्सपायर हो चुका है प्रिस्क्रिप्शन और आप मेडिकल पे जाके कहते हो कि दवा दे दो, तो वो प्रिस्क्रिप्शन बेकार है क्योंकि आपको प्रिस्क्रिप्शन दोबारा लेना चाहिए। अगर उसने मीट लिखा है तो हो सकता है 15 दिन बाद आपको मना कर दे अंडा मत खाना। वाई आर यू नॉट गोइंग टू द डॉक्टर? बिल्कुल, जो जिनको अस्पताल में ये कह दिया गया हो कि घर ले जाओ सेवा कर लो, ये नहीं बचेंगे, वो मरीज। लेकिन केवल 5 साल की जिंदगी दे पाऊंगा, इससे ऊपर नहीं। 2024 का चुनाव नहीं होगा, ये 100% है, नहीं होगा। रीजन समय आने पर दूंगा, अभी नहीं। ये कोरोना खुद मेरा अपना क्रिएशन था, लेकिन कोई भी ये प्रूव नहीं कर सकता कि इसको मैंने बनाया, क्योंकि सबसे पहला अटैक 22 नवंबर को मैंने चीन पे करा था और चीन में जो तबाही हुई है वो शायद किसी और देश में नहीं हुई है। कम से कम 11 से 11.5 करोड़ लोग चीन में कोरोना से मरे हैं और अभी भी वही स्थिति है। नहीं, दवाई की बात नहीं मेरी, बस सब दुनिया में क्यों बनाऊँ दवाई? दवाई तो आज भी नहीं बन पाएगी इसकी, कहाँ बनी है? इम्यूनिटी बूस्टर है केवल, इम्यूनिटी बूस्टर। आप घर पर बैठ के आराम से फर्स्ट क्लास से फल खाओ, फर्स्ट क्लास सेहतमंद रह के च्यवनप्राश खाओ, आपको कुछ नहीं होगा। मुझे एक बार बताओ, जितने भी यहाँ पत्रकार बंधु आए हैं, क्या इनके किसी घर में आपको कोरोना हुआ? जोर से बोलो, नहीं हुआ ना?
आपके किसी ब्लड रिलेशन में हुआ? हाँ हुआ। किसको? मेरे चाचा जी। मांसाहार खाते थे या नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं, पंडित थे। कितनी उम्र थी? 40 साल। बच गए यार? नहीं चले गए, खत्म हो गए। ठीक, जाना था। ऐसा क्यों? टाइम तो निश्चित है ना भाई। ये तो आपने पहले मालूम कर लिया ना। मैंने क्या मालूम कर लिया? आपने पहले कंफर्म किया ना। तो वो तो करना ही पड़ेगा, मैं डॉक्टर हूँ, मैं पट्टी कर, मैंने बोला ना मैं जादूगर नहीं हूँ। जादूगर जादूगर राम जी भी नहीं थे, कृष्ण भगवान भी नहीं थे, मैं भी केवल अवतार हूँ। जादूगर ऐसे कुछ चमत्कार कुछ बताइए जिससे आपको अवतार माना जाए या ऐसी कुछ। मैं आपको अवतार मानने के लिए कह कब रहा हूँ, आप मानो। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिस पोजिशन पे इस समय दुनिया है, अगर अब भी नहीं सुधरते हैं तो इससे भी बदतर हालात कर दूंगा। तो डॉक्टर अभी आपने ये कहा कि कई देशों की फोर्सेस कमांड आपके हाथ में है। बिल्कुल, जैसे बताएंगे किसी ये नहीं बता सकता, ये रहस्य है। ये अगर मैं आपको बता दूंगा तो तुम मेरे पीछे पड़ जाओगे। अच्छा, जो जिन लोगों को आप 5 साल की जिंदगी देंगे, क्या वो आपका आशीर्वाद होगा या मेडिकल टेक्नोलॉजी से होगा? आशीर्वाद से नहीं। मुरादाबाद के मामले को देखकर आप सन्न रह जाएंगे, जहां एक आदमी ने ये कहा कि मैं खुद भगवान हूं, कल्की का अवतार हूं, भगवान विष्णु का रूप बनकर मैं इस दुनिया में आया हूं। कई बार ये आपने सोचा होगा लेकिन देखा नहीं होगा। हमारी खबर में आपको ये देखने को मिलेगा कि एक डॉक्टर जिसे खुद हम भगवान मानते हैं और वो खुद को भगवान बताने का प्रयास करे तो हम क्या कहेंगे। इस मामले में CMO साहब से भी बात की तो वो भी खुद इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो मेरी जानकारी में तथ्य लाए गए हैं कि कोई व्यक्ति विभिन्न प्रकार के दावे कर रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर, तो उन दावों के बारे में जांच पड़ताल करके ही कुछ बताया जाना उचित होगा और उसके द्वारा किए गए दावों का एकदम से हम उसको वो नहीं ले सकते हैं कि ऐसी कोई चीज़ है। मगर जो मोटे तौर पे मेरी समझ में आया है कि उसके दावों में कोई तथ्य नहीं है और वो केवल गलत बातों का भ्रामक प्रचार कर रहा है और जनता को भ्रम में डाल रहा है। आप CMO हैं, वो भी डॉक्टर हैं, MBBS हैं, क्या एक लीगली क्या आपके उससे किया जा सकता है? आप लीगली क्या बनता है? देखिए अभी जो नाम चिकित्सक का बताए, ऐसा चिकित्सक हमारे यहाँ पंजीकृत नहीं है और उसको आप जिस बिंदु से एंगल से कह रहे हैं उस एंगल से भी विचार किया जाएगा। जैसे कोरोना के एक मैसेज गलत फैला रहे हैं समाज में, कोरोना का एक दवाइयों चल रहा है, किसी भी किस्म का भ्रम फैलाएंगे तो महामारी एक्ट के अंतर्गत तथ्यों का संज्ञान लिया जाएगा। सर, आपके सवाल में वो साइकाइट्रिस्ट हैं, दिमागी डॉक्टर हैं, समाज के लिए खतरा बन सकते हैं अगर मरीज उनके पास आएंगे तो उनके खुद की हालत इस तरह से बयान दे रहा है तो रखती है। देखिए हमारा समाज बहुत परिपक्व है और इन चीज़ों को वो अच्छी तरह डील कर लेता है। कल की धाम बनाया था प्रमोद कृष्ण ने, प्रमोद कृष्ण को मैंने फ़ोन किया और मैं बोला कि मुझे पता है कल्की जी कहाँ पर हैं, तो वो बोले फ़ोन पे ही कि आप मुझे बता दो मैं भी बात कर लूँगा। फिर मैं बोला जी नहीं जी मिलके बताऊँगा, तो पता क्या बोला आचार्य प्रमोद कृष्ण जिसने कल्की धाम बना रखा है, वो बोला कि क्या नाम है ऐसा है आप मुझे बता दो मैं मिल जाऊँगा। तो उसके बाद क्या हुआ, 15 दिन बाद ही अखबार में न्यूज आ गई थी फर्जी बाबा करार कर दिया गया उसको, आई थी या नहीं? ये मेरी वजह से था, जूना अखाड़े से उसको फर्जी बाबा करार दिया गया है। तो फिर अब जो कल्की धाम जो बना हुआ है, जो वो कल्की धाम इसलिए बना हुआ है बहुत जिससे पैसा इकट्ठा हो उनके नाम पे, वो वहां पे बिजनेस चला रहा है अपना। तो कहाँ रहेंगे कल्की अवतार? तुम्हारे सामने बैठा है, आप बात करो। अच्छा, पूरी दुनिया से कोरोना मुक्त हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? अगर आप सच्चे हैं सब तो कोरोना मुक्त कर दूंगा। ZTV News 24, रखे बुलंद आपकी आवाज़।